अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और जो न्यू व्यूवर्स आते हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। यहाँ पे मेरे पास सेकेंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक्स पे आइटम्स अवेलेबल हैं, वो आइटम्स हैं जो घर में डेली लाइफ में डेली रूटीन में यूज़ होते हैं। ठीक है जी, बार बार इसलिए मैं रिपीट करती हूँ कि यार जो न्यू व्यूवर्स आते हैं या जो न्यू लोग आते हैं उन्हें आइडिया नहीं है कि क्या चीज़ है, तो उनके लिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे सेकेंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आइटम्स अवेलेबल हैं। ठीक है जी, सारे के सारे सेकेंड हैंड हैं, यूज़ हैं। पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर इनकी प्राइस रेंज, इनका सिटी और इनकी कंडीशन के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है जी, आज की वीडियो में तकरीबन मेरे पास जनाब 10-12 एक आइटम्स अवेलेबल हैं। ठीक है, जिसमें मेरे पास 2 अदद ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीनें हैं। ठीक है जी, फिर उसके बाद मेरे पास 2 अदद एयर कूलर हैं। ठीक है जी, उसके बाद जनाब मेरे पास चार्जिंग फ़ैन है, उसके बाद ये जो है एग्जॉस्ट फैन है, उसके बाद एक मेरे पास एसी है, उसके बाद 2 अदद मेरे पास जनाब जो है डबल डोर फ्रिजे हैं। ठीक है जी, उसके बाद जनाब एक मिनी साइज़ का फ्रिज है, उसके बाद जनाब मेरे पास अगेन एक, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 2 डबल डोर फ्रिज हैं। ठीक है, बीच में एक मिनी फ्रिज आ गया था, उसके बाद दूसरा डबल डोर फ्रिज आएगा। ठीक है, उसके बाद जनाब मेरे पास ये डीप फ्रायर है, नेक्स्ट मेरे पास जूसर ब्लेंडर है, और उसके बाद जनाब मेरे पास पॉपकॉर्न मशीन है। और फर्स्ट पे ये मैंने उल्टा शुरू कर दिया, फर्स्ट पे मेरे पास माइक्रोवेव, दोबारा एक दफ़ा आप रिपीट कर दूं, नंबर 1 पे मेरे पास माइक्रोवेव ओवन है, बेकिंग और ग्रिलिंग वाला साइज़ मिनी है, नंबर 2 पॉपकॉर्न मशीन, नंबर 3 जूसर, नंबर 4 पे जनाब ये डीप फ्रायर, नंबर 5 डबल डोर फ्रिज, नंबर 6 मिनी फ्रिज, रूम फ्रिज जिसे कहा जा सकता है, उसके बाद अगेन मेरे पास डबल डोर फ्रिज, उसके बाद जनाब 1 अदद एसी, ये फ़ैन आ गया, चार्जिंग फ़ैन आ गया, उसके बाद मेरे पास जनाब ये क्या कहते हैं एयर कूलर है, और लास्ट पे 2 अदद मेरे पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। ठीक है जी, आप लोगों से रिक्वेस्ट करती चलूँगी कि यार आप लोगों की सपोर्ट के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, काइंडली मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ठीक है जी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जो न्यू व्यूवर्स आ रहे हैं लाजमी चैनल को सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है, और उसके अलावा अगर किसी को कोई चीज़ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अगर अपने घर की कोई चीज़ सेल करवानी है या ऐड लगवाना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, फीडबैक लाजमी दिया करें। और जनाब एक और चीज़ मैंने आपसे कहना था कि जो मेरा सुंबल वॉइस वाला चैनल है उसको भी लाजमी विज़िट करें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है जी, तो ये थी आज की आइटम्स। ठीक है, इनके बारे में आगे की वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, बेल के आइकन को प्रेस कर लें, उससे ये होता है कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहता है आपको, मतलब जैसे वीडियो अपलोड होती है वैसे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। और जनाब वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। ठीक है जी, चलें आगे की तरफ चलते हैं। जी जनाब, जैसे कि मैंने आपको बताया था, नंबर 1 पे मेरे पास बेकिंग और ग्रिलिंग वाला माइक्रोवेव ओवन है, मिनी साइज़ का ये माइक्रोवेव ओवन है। कंडीशन की बात करती चलूँ तो कंडीशन वाइज 8/10 है, नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरा है। ठीक है जी, डिमांड फ्रेंड्स इसकी उन्होंने 4000, सिर्फ और सिर्फ 4000 इसका मांगा है, नंबर इनका कमेंट सेक्शन में मेंशन है, कमेंट सेक्शन से नंबर लेके आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड मेरे पास है पॉपकॉर्न मशीन, इलेक्ट्रिक पॉपकॉर्न मशीन है, पॉपकॉर्न लवर्स जिनको पॉपकॉर्न बहुत पसंद है ये उनके लिए बेस्ट है। ठीक है जी, कंडीशन आप देख सकते हैं, कंडीशन वाइज जनाब ये 8/10 है, इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिक पंप के साथ है पॉपकॉर्न मशीन। ठीक है जी, डिमांड इसकी उन्होंने 2000 की हुई है, नंबर इनका कमेंट सेक्शन में मेंशन है, कमेंट सेक्शन से नंबर लेके आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। सिटी फैसलाबाद है, अच्छा ये चीज़ का ध्यान रखा करें कि अगर फैसलाबाद से है ना तो उसको परचेजिंग में आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी, अगर फैसलाबाद की चीज़ है आप रहते कराची में हो तो फिर वो लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, उसको ख़रीदने में आपके लिए मसला होगा, तो इसलिए जो है ना इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि जो आपकी सिटी की चीज़ है आप कोशिश किया करें वही परचेज़ करें, अगर आपको पसंद आती है तो, अगर नहीं पसंद आती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए आपकी सिटी की चीज़ लेके आ जाऊँगी।
ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड मेरे पास आ जाता है सिल्वर का जूसर ब्लेंडर और साथ में मसाला मशीन। ठीक है जी, जूसर ब्लेंडर और मसाला मशीन फैसलाबाद में ये मौजूद है, फैसलाबाद वाले इसको परचेज़ कर सकते हैं। कलर देख लें, इसका कलर रेड और ब्लैक कलर में है। ठीक है जी, कंडीशन आप देख सकते हैं, कंडीशन वाइज देखने में 8x10 है। बॉडी कंडीशन नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरी है। अच्छा डिमांड फ्रेंड्स इन्होंने इसकी 5000 की भी है, सिटी फैसलाबाद में मौजूद है, फैसलाबाद वाले इसको परचेज़ कर सकते हैं। नंबर इनका कमेंट सेक्शन में मैंने मेंशन कर दिया, कमेंट सेक्शन से नंबर लेके आप इनसे रब्ता कर लें। अब जनाब मेरे पास है डीप फ्रायर, स्टीमर भी बोला जा सकता है, डीप फ्रायर भी बोला जा सकता है। ठीक है जी, ये जनाब जो है लाहौर में मौजूद है, लाहौर वाले इसको परचेज़ कर सकते हैं। कंडीशन वाइज 8x10 है, वर्किंग कंडीशन 8x10 है, बॉडी की कंडीशन नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरा है। ऑप्शंस इन्होंने आपको दिए हुए हैं कि इतनी इतनी डिग्री पे आप वेजीज़, फ़िश, फ्राइज वग़ैरह इजीली स्टीम कर सकते हैं और डीप फ्रायर भी कर सकते हैं। ठीक है, कहा इसको डीप फ्रायर जाएगा। ठीक है, प्राइस रेंज जो है जनाब इसकी उन्होंने 4000 मांगा हुआ है, नंबर इनका कमेंट सेक्शन में मेंशन है, कमेंट सेक्शन से नंबर लेके आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट जनाब मेरे पास है डबल डोर फ्रिज। ठीक है जी, डबल डोर फ्रिज की अगर कंडीशन की बात की जाए तो कंडीशन वाइज 8x10 है, नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरा है। अच्छा डिमांड इसकी जो है ना सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपया की हुई है। ठीक है, नंबर इनका कमेंट सेक्शन में मेंशन है, कमेंट सेक्शन से नंबर लेके आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। सिटी लाहौर में मौजूद है, लाहौर वाले इसको परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट फ्रेंड मेरे पास मिनी फ्रिज मौजूद है। ठीक है जी, ये मिनी फ्रिज कराची में मौजूद है, रेड कलर में है। कंडीशन की बात करती चलूँ तो कंडीशन वाइज 8x10 है, नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरी है। डिमांड इसकी जनाब की हुई है 20,000, फेडरल बी एरिया कराची में मौजूद है। नंबर इनका कमेंट सेक्शन में मेंशन है, कमेंट सेक्शन से नंबर लेके आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, अब मेरे पास एसी मौजूद है, ये एसी जनाब कराची में मौजूद है, कराची वाले इसको परचेज़ कर सकते हैं। स्प्लिट एसी है, डीसी इन्वर्टर नहीं है, डेढ़ टन का ये एसी है। ठीक है जी, 30,000 रुपया इसकी डिमांड की हुई है, नंबर इनका कमेंट सेक्शन में मेंशन है, कमेंट सेक्शन से नंबर लेके आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, जनाब मेरे पास हैंड बकेट वॉल फ़ैन है। ठीक है जी, ये फ़ैन भी कराची में मौजूद है, कराची वाले इसको परचेज़ कर सकते हैं। कंडीशन वाइज जनाब देखने में 8x10 है, वर्किंग कंडीशन इसकी 8x10 है, नीट एंड क्लीन बॉडी है, साफ़ सुथरा है। 2,000 इसकी डिमांड की हुई है, नंबर इनका कमेंट सेक्शन में मेंशन है, कमेंट सेक्शन से नंबर लेके आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। हैंड बकेट फ़ैन है कराची से। ठीक है जी, जनाब मेरे पास है चार्जिंग फ़ैन। ठीक है जी, ये चार्जिंग फ़ैन प्लास्टिक बॉडी के साथ कराची में मौजूद है, कराची वाले इसको परचेज़ कर सकते हैं। कंडीशन वाइज 8x10 है, बॉडी कंडीशन 8x10 है, वर्किंग कंडीशन 8x10 है, 4 घंटे इसकी चार्जिंग टाइमिंग है। डिमांड इसकी 2,000 की हुई है, सिटी कराची में मौजूद है, कराची वाले इसको परचेज़ कर सकते हैं। नंबर इनका ऑल कमेंट सेक्शन में मैंशन कर दिया गया है। अब जनाब मेरे पास है एयर कूलर। ठीक है जी, ये एयर कूलर जनाब कंडीशन आप देख सकते हैं, कंडीशन वाइज 8x10 है, वाइट और स्काई ब्लू कलर में है, वर्किंग कंडीशन भी 8x10 उन्होंने बताई हुई है। नंबर इनका कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया गया है। डिमांड 8,000 की भी है, सिटी मुल्तान में मौजूद है, मुल्तान वाले इसको परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, और देख सकते हैं, बल्कि सीज़न इसका चला गया इसलिए थोड़ी प्राइस रेंज, अगर मुल्तान में किसी को पसंद आए तो इसका 5 से 6 हज़ार रुपया लगा के आप इसकी डील फाइनल कर सकते हैं। जनाब मेरे पास है डॉलन्स का ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। ठीक है जी, ये डॉलन्स की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की कंडीशन की बात करती चलूँ तो कंडीशन वाइज 8x10 है, बॉडी कंडीशन नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरी है। डिमांड इन्होंने इसकी 30,000 रुपया की हुई है, नंबर इनका कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया गया है। सिटी रावलपिंडी में मौजूद है, रावलपिंडी वाले इसको परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, लास्ट पे अगेन मेरे पास डॉलन्स की वॉशिंग मशीन है। ठीक है जी, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन डॉलन्स की जनाब, ये जो है सरगोधा में मौजूद है, ब्लैक कलर में है। कंडीशन आप देख सकते हैं 8x10 है, बॉडी की कंडीशन आई थिंक थोड़ी सी ख़राब हुई भी है, वो भी कलर ब्लैक है शायद इसलिए फील हो रहा है। ठीक है जी, नंबर इनका कमेंट सेक्शन में मेंशन है, कमेंट सेक्शन से नंबर लेके आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। डिमांड इन्होंने की हुई है 20,000,
सरगोधा में ये मौजूद है, सरगोधा वाले इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है जी, नंबर मैंने मेंशन कर दिया है, सरगोधा वाले इसको परचेज कर सकते हैं। और लास्ट पे आप सबसे जाते हुए जो है एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर कोई चीज़ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। और अब दे मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह फ़ी अमानिल्लाह।